हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस वाले पार्टीशन में कुछ नन्हे नन्हे हैमस्टर्स के बच्चे पैदा हुए थे और वो बड़े हो गए थे बीच में, तो इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे करके उनको मिलाना स्टार्ट कर दिया और अब वो यहाँ पे हैं। ये देखिए, ये शायद आप लोगों को देख के लग रहा हो कि ये बड़े वाले हैं, लेकिन असल ही है ये बच्चे हैं। एक और बच्ची है जो कि यहीं पे सो रही है, मेरे ख्याल से वो वहाँ कोने में जाके, वो देखिए आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा खड़ा होके सो रही है वो, तो वो बच्ची वहाँ जाके सो रही है और बाकी सब लोग इसके नीचे हैं, कुछ अपने अपने घरों में हैं। तो जब इन लोगों को हमने सेपरेट इसमें कर दिया तो कुछ ही दिन बाद हम लोगों को पता लगा कि ये वाइट वाली भी प्रेग्नेंट है। तो अभी पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है और कितने दिनों में बच्चे देगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हैमस्टर्स ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं तो भी ऐसा होता है कि वो बहुत मोटे मोटे गोल मोटे लगते हैं, तो कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि ये प्रेग्नेंट है भी कि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको रखा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में पता लग जाएगा और एक से दो हफ्ते में तो खैर ये बच्चे दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ा सेटअप टूटा फूटा सा लग रहा होगा और काफ़ी उबड़ खाबड़ भी लग रहा है। तो एक्चुअली मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला था कि इन लोगों की ब्रीडिंग मैं यहाँ पे करवाऊँ या फिर इन लोगों के बच्चे यहाँ करवाऊँ, लेकिन अचानक से जैसे पता चलता है तो फिर उसके बाद इसमें पार्टीशन डालना पड़ता है। क्योंकि हैमस्टर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर आप में से कोई हैमस्टर खरीदने के बारे में सोच रहा है तो इस बारे में भी सोचिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हैं। तो अगर इनको इनके केज से या सेटअप से अलग कर दिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं और बहुत फास्ट यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, तो दिक्कत आ जाती है कई बार। और मेरे एक हैमस्टर के साथ ऐसा हो चुका है, तो उसके आगे क्या हुआ कैसे, मैंने कुछ दिन तक उसको ठीक किया लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुई, इसके बारे में पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हैमस्टर्स को स्ट्रेस में ना लाने के लिए तरीका यही है जो मैंने अपनाया। यहाँ पे आप लोग उन्हीं के केज में एक पार्टीशन डाल सकते हैं और फिर उसके बाद उसको सेपरेट कर सकते हैं अगर आपके पास इतना बड़ा कोई केज का सेटअप है तो, वरना तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर मान लीजिए बाय चांस पार्टीशन नहीं आप डाल पा रहे हैं और छोटा सा केज है, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि ये वाला मटेरियल और नया पुराना वाला मटेरियल मिला के आप रख दीजिए, इससे भी काफ़ी अच्छा रहेगा हैमस्टर के लिए। तो ये काफ़ी हद तक खुशबू को पहचानते हैं और फिर इनको स्ट्रेस नहीं होता है, तो ये जो भी बच्चे देंगे या फिर आपको बाय चांस चोट लगने पे अलग करते हैं तो ये आराम से अलग हो जाएंगे। तो अभी इन बच्चों को यहाँ पे जब मैंने अलग किया था तो भी यही दिक्कत आई थी, और हैमस्टर्स को जब भी हम सेपरेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो कभी भी आप अगर हैमस्टर सेपरेट करें तो इसी तरीके से करें, थोड़ा बहुत मटेरियल में पुराना वाला मिला दें जैसे कि हम मछलियों के पानी में करते हैं, तो इससे क्या होगा कि इनको स्मेल वापस मिलती रहेगी और एक तरीके से कहा जाए तो इनका एनवायरनमेंट इनके लिए नहीं खोएगा, इनकी याददाश्त इनकी बदबू से बनी रहती है, इनको सब कुछ याद रहता है, वरना बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं लोग। और अभी अगर हम बात करें फीड की, तो देखिए सितंबर का टाइम है और यहाँ फीड में अब थोड़ी बहुत गाजर भी आसानी से मिलने लगी है, तो गाजर, खीरा और ये भुट्टे हैं, और ये भुट्टे सूखे वाले नहीं हैं, वही जो कच्चे वाले भुट्टे आते हैं जो बहुत नरम होते हैं, तो उसको हमने छील लिया, क्योंकि वो पूरा रखने से काफ़ी जगह भी घिरती है और फिर उसके बाद वो जब कोकोपीट उसमें भर जाता है तो बहुत अजीब लगता था देखने में, तो इसलिए यहाँ पे छील के दिया। सेम ये फीमेल को भी दिया। और प्रेगनेंसी की मैं बात कर रहा था तो आप लोग देख ही सकते हैं इसकी ये जो हरकत है, फीमेल जब बेडिंग बनाती हैं, और ये हैमस्टर्स और रैबिट दोनों में देखा गया, जब भी वो बेडिंग तैयार करती हैं तो ये एक सिंबल होता है कि वो बच्चे देने वाली हैं या तो उनकी उसी दिन डिलीवरी होगी। तो यहाँ पर ये भी बेडिंग तैयार कर रही है और काफ़ी अच्छे से। देखिए हाइडिंग प्लेस मैंने इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि हाइडिंग प्लेस का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बनता है, बाय चांस ये बच्चे दे दे और बच्चों में कोई दिक्कत आ जाए तो हाइडिंग प्लेस से पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए बाय चांस कोई प्रेग्नेंट फीमेल हैमस्टर है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं व्हील के पीछे काफ़ी कोने में छुपने की जगह है, तो ऐसी थोड़ी बहुत जगह दे सकते हैं जिसको ये वैसा हाइडिंग प्लेस बना ले, लेकिन पूरी तरीके से छुपाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, आप लोगों को ये पूरा सेटअप दिखाना था और जो अपडेट थे वो बताने थे, और इनके ऊपर कई और भी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ, इनके बीमारियों के बारे में, इनके स्ट्रेस के बारे में, बेडिंग के बारे में, कैसे कैसे कौन सी बेडिंग बनानी है, ज़्यादा नहीं तो मैं थोड़ी थोड़ी सी बेडिंग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि कई कंपनियाँ या फिर कई लोग ऐसे हैं जो बेडिंग के चक्कर में आप लोगों को बहुत लूटते हैं, और मैं सबसे बेस्ट बेडिंग या सब्स्ट्रेट मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब धीरे धीरे वीडियोस बन रही हैं, सब तैयारी हो रही है, तो लगातार आप लोगों को कई वीडियोस मिलेंगी। तो फिलहाल अभी वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए नन्हा बच्चा यहाँ पे आ गया है, बाय बाय।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।